डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज की नई वीडियो में। जैसा कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय में जो भी छात्र छात्राएं सत्र 2024-25 के लिए प्रवेश लेना चाहते हैं, चाहे आप बीए, बीएससी, बीकॉम या किसी भी डिग्री में आवेदन लेना चाहते हैं, तो आवेदन के लिए जो है एडमिशन के लिए आपको यूआईएन फॉर्म रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। जो भी महाविद्यालय में आप एडमिशन लेंगे तो आपको वहां पर यूआईएन जो होता है यूनिक आईडी रजिस्ट्रेशन करके आपको जमा करना होता है। तो आज हम जानेंगे किसकी अंतिम तिथि क्या है, कब तक आप फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं, अगर फॉर्म में आपकी गलती हो गई तो कैसे उसे आप सुधार पाएंगे। ये तमाम सारी बातें हैं जो यूआईएन से जुड़ी हुई हैं। इसके साथ साथ हम जानेंगे कि आपके सेमेस्टर एग्जाम के रिजल्ट कब आने वाले हैं, जैसा कि सेकेंड, फोर्थ और सिक्स सेमेस्टर जो बहुत सारे कॉलेजेस के नहीं आए हैं रिजल्ट, वो कब तक जारी कर दिए जाएंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, संपूर्ण जानकारी आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप मिलने वाली है। जैसा कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट आप देख सकते हैं, हम थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं और इसी में आएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एग्जामिनेशन फॉर्म। एग्जामिनेशन फॉर्म का एक यहाँ पोर्टल आपको दिख जाएगा। इस पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं, क्लिक करने के दौरान इसका दूसरा लिंक ओपन हो जाएगा। लिंक जो ओपन होकर आएगा इस प्रकार से यहाँ पर आप देख पाएंगे, यहीं पर लिखा हुआ है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या, और यहाँ पर आप देखेंगे लिखा है यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर अर्थात यूआईएन नंबर। यहाँ पर जैसे हम क्लिक करते हैं, क्लिक करने के दौरान होता क्या है कि इसका अगला स्टेप खुल के आता है। सबसे पहले नोटिस में बताया गया है कि एतद द्वारा सभी संबंधित को सूचित किया जाता है कि आदेशानुसार डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या से संबंध समस्त महाविद्यालयों संचालित स्नातक परास्नातक पाठ्यक्रमों में शैक्षिक सत्र 2024-25 हेतु यूआईएन पंजीकरण जनरेट किए जाने के पूर्व निर्धारित तिथि 15 जून से बढ़ाकर 15 अगस्त 2024 की जाती है। जैसा कि इसकी जो अंतिम तिथि पहले निर्धारित की गई थी वो 15 जून थी, लेकिन अब इसकी अंतिम तिथि जो है वो 15 अगस्त है, तो अर्थात जल्द ही इसकी डेट समाप्त होने वाली है। तो आप लोग अगर एडमिशन लेना चाहते हैं चाहे यूजी में या पीजी में, तो बिना विलंब किए आप लोग अपना यूआईएन जनरेट कर लें। यूआईएन आपको कैसे भरना है स्टेप बाय स्टेप जानकारी हमारे चैनल पर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, जहां से आप लोग आसानी से यूआईएन फॉर्म को भर सकते हैं। यूआईएन फॉर्म भरते समय अगर आपसे गलतियां हो जाती हैं कोई, तो गलतियों को सुधारने के लिए आपको अपने महाविद्यालय जाना होगा, जहां से कॉलेज आपके फॉर्म को वेरीफाई करता है वहां से आपको संशोधन का मौका मिल जाएगा। जो आपने गलती कर दी है वो आपके महाविद्यालय के द्वारा सुधारी जा सकती है। यहां से आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि स्टेप प्री रजिस्ट्रेशन यूआईएन 2024, सब कोर्सेस के नाम दिए गए हैं जो कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय में संचालित होते हैं। इसमें आप कोर्सेस को देख सकते हैं और अपनी जरूरत के हिसाब से आप यूआईएन फॉर्म को रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। इसी के ठीक नीचे देखेंगे लिखा हुआ है कि प्री रजिस्ट्रेशन फॉर्म यूआईएन 2023 बीएड और एमएड के लिए था, इसकी भी डेट समाप्त हो चुकी है, पिछले सत्र के लिए था ये। आप लोग इसमें जो एडमिशन लेना चाहते हैं यहां से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यूजर इंस्ट्रक्शन में जाकर के आप देख भी सकते हैं कि फॉर्म को आप कैसे सबमिट कर पाएंगे। यहां पर कुछ दिशा निर्देश बताए गए हैं, यहां से देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है सबसे पहले आपको स्टेप प्री रजिस्ट्रेशन करना है, नेम ऑफ कैंडिडेट, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, ईमेल आईडी, कोर्स नेम, फी, ये सारी चीजें यहाँ पर आपको शो करेंगी। इस प्रकार से भरना है, पेमेंट करना है और स्टेप बाय स्टेप आप देख सकते हैं कि फॉर्म को कैसे सबमिट किया गया है। तो सावधानी पूर्वक आपको फॉर्म भरना है क्योंकि कोई गलती ना होने पाए। फॉर्म भरते समय अगर उसी समय आप चाहें तो गलतियों को सुधार सकते हैं, उसी समय एडिट के लिए ऑप्शन आपको प्रोवाइड कराता है। यहाँ पर लिखा है एडिट पर्सनल डिटेल्स, एडिट एजुकेशन डिटेल्स, एडिट फोटो साइन, तो ये तीन यहाँ पर ऑप्शन आपको मिलेंगे। अगर आपसे फॉर्म भरते समय ही कोई गलती हो गई और आपको पता चल जाता है तो आप उसे तुरंत ही ठीक कर सकते हैं, ये देख सकते हैं। यदि हम परीक्षा परिणामों की बात करते हैं जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं, सिक्स सेमेस्टर के लिए परीक्षा परिणाम जारी कर दिए गए हैं। जिन छात्र छात्राओं ने अपना परीक्षा परिणाम नहीं देखा है वो लोग अपना परीक्षा परिणाम रिजल्ट मार्कशीट सेक्शन में जाकर के देख सकते हैं, जहां से आपको सिक्स सेमेस्टर के रिजल्ट देखने को मिलेंगे। बहुत सारे कॉलेजेस के अभी तक रिजल्ट नहीं जारी किए गए हैं, वो भी जल्द ही अपडेट कर दिए जाएंगे, जहां से आप लोग देख पाएंगे
जैसे कि बीए फर्स्ट सेमेस्टर, बीएससी, ये सारे जो है फर्स्ट सेमेस्टर के लिए हैं। आप स्क्रॉल डाउन करते हैं, यहीं पर नीचे देखेंगे लिखा यूजी एनईपी सेमेस्टर 6 और बीए सेमेस्टर 6 कैंपस के लिए बताया गया है। तो आप लोग यहां से अपने रिजल्ट को देख सकते हैं। यदि हम सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर की बात करते हैं तो आपके परीक्षा परिणाम जो होंगे वो जल्द ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो सिक्स सेमेस्टर होता है उसमें बहुत सारे छात्र छात्राएं नेक्स्ट कोर्सेस में एडमिशन लेने के लिए जो है अप्लाई कर दिए होते हैं, अपेयरिंग फॉर्म भर दिए होते हैं। इस कारण से विश्वविद्यालय प्रशासन पहले सिक्स सेमेस्टर का रिजल्ट जारी करता है। सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर जो आपका है आपको उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, नेक्स्ट लेवल एग्जाम के लिए आपको प्रवेश भी हो जाता है, इस कारण से उसमें देरी भी होती है, उसमें छात्र संख्या भी ज़्यादा होती है, इसलिए आपके रिजल्ट जो होंगे वो देखने को जल्दी मिलेंगे। जैसे ही रिजल्ट आपका आता है यहाँ पर सेक्शन में आपको देखने को मिल जाएगा, इसी में ऐड कर दिया जाएगा जहाँ से आप लोग अपना रिजल्ट देख सकते हैं। तो ये था वीडियो जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आवत विश्वविद्यालय से जुड़ी हुई सूचनाएं थी। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ।